अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं एमडीकेट मेंटोर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ब्लंडर्स की वजह से एमडीकेट के तलबा को शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार है। इसी तमाम मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सबसे सीनियर तरीन एडवोकेट और साबिक जज शेर अफजल खान ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के सदर को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के भी वकील हैं, साबिक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन वकला में इनका शुमार होता है। यहां पर शेर अफजल खान मरवत ने लीगल नोटिस भिजवाया है। ये मरवत लॉ अटॉर्नीज की तरफ से भिजवाया गया है, जिसमें शेर अफजल खान इसके ऑनर हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट को भिजवाया गया है लीगल नोटिस, और इसके अंदर बताया गया है कि उनके एक क्लाइंट मिस्टर सियाब हमजा ने और बेशुमार एमडी कैट के तलबा के बुनियाद पर यह नोटिस भिजवाया जा रहा है कि एमडी कैट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, रॉन्ग आंसर कीज जारी कर दी गई थी, लीक्ड क्वेश्चन पेपर था, ब्लूटूथ चीटिंग का स्कैंडल सामने आया, और इसके अंदर यह बताया गया है कि एमसीक्यूज यहां पर कुछ सूबों में बहुत ज्यादा आसान थे, जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट पिछले साल भी आसान था, और 300 से ज्यादा स्टूडेंट फेडरल के पंजाब में चले गए थे, केपीके में चले गए थे, और पंजाब में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये यहां पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, एक सूबे का टेस्ट बहुत आसान और बाकी सूबों का टेस्ट बहुत मुश्किल बना दिया जाए, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पर यह इस्तादा की जाती है कि आप इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करें, और अगर पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में है कि इसमें अनफेयर प्रैक्टिस साबित हो जाती हैं, जिनके सबूत भी दिए गए हैं, तमाम चीजें क्लियर हैं और हर चीज सामने है, तो इस तमाम इम्तिहानात के रिजल्ट को नलीफाई किया जाए और इनको दोबारा रिकंडक्ट किया जाए। शेर अफजल खान मरवत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नोटिस भिजवा चुके हैं, और आपको बताते चलें ये अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को दूसरा बड़ा नोटिस है। इससे पहले जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी नोटिस भिजवाया गया है। तो इन तमाम नोटिस को इग्नोर करके पीएमडीसी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर जकड़ा हुआ है पीएमडीसी को इन तमाम लॉ एसोसिएट्स ने। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते जा रहे हैं। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।